हेलो फ्रेंड्स, आई एम नैन्सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी एज। एंड अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे एंड आप हमारे चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड उसका टॉपिक रहने वाला है प्लांट एंड एनवायरमेंट। गाइज, हम प्लांट एंड एनवायरनमेंट के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्लांट ग्रोथ ऑन बर्न्ड सॉइल इज कॉल्ड, यानी कि जली हुई मिट्टी पर जो प्लांट ग्रो करता है, पौधा ग्रो करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं पायरोफिलस प्लांट, हाइड्रोपोनिक्स, हेटरोफिलस या फिर नन ऑफ दीज। सो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पायरोफिलस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीकम्पोजर्स आर ऑलवेज, डीकम्पोजर्स हमेशा क्या होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ऑटोट्रॉप्स, यानी कि जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि जो पहले नंबर के कंज्यूमर्स होते हैं वो, सेप्रोट्रॉप्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, या फिर हेटरोट्रोप्स यानी कि जो अपने फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते बट अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि सेप्रोट्रोप। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, तो इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोप्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर्म द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फूड चेन, यानी कि जो फूड चेन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी कैटेगरी फॉर्म करती है ऑर्गेनिजम्स की? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि जो पहले नंबर के कंज्यूमर्स होते हैं वो, सेप्रोट्रोप्स यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, या फिर हर्बीवोरस यानी कि जो अपने फूड के लिए सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। सो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? फूड चेन का स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म कर लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज, जो इकोसिस्टम है उसके अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं सन, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट, या फिर ग्लूकोज, एंड लास्ट वन इज डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम के अंदर वो रहती है ए ऑप्शन, यानी कि सन, जो सन है वो एक इकोसिस्टम के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम द फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो क्या होता है। एक्वेटिक का मतलब होता है जो पानी के अंदर इकोसिस्टम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम द फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम, अब यहाँ पूछा हुआ है कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसके अंदर फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? तो इसके ऑप्शंस हैं फाइटोप्लैंक्टोन, यानी कि फाइटोप्लैंक्टोन का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स जो कि कहाँ पर प्रेजेंट हैं, पानी के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टोन्स। ऑप्शन बी इज जू प्लैंक्टोन्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर प्रेजेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जू प्लैंक्टोन्स, या फिर स्मॉल फिश, या फिर बेंथोस। बेंथोस का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कहाँ प्रेजेंट हैं, रिवर के, या फिर हम कहें कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसके बिल्कुल बेस पर प्रेजेंट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बेंथोस। तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि फाइटोप्लैंक्टोन, यानी कि जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या फॉर्म कर लेते हैं? एक्वाटिक इकोसिस्टम का फूड चेन का स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फाइटोप्लैंक्टोन्स। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द परसेंट ऑफ सनलाइट ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर्स इज, तो इसके ऑप्शंस हैं 1 to 5%, 5 to 10%, 10 to 15% या फिर 15 to 20%। सो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 to 5%, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स हैं, वो कितने परसेंट सनलाइट को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, या हम कहें कि अपने अंदर फंसा लेते हैं, अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, वो कितने परसेंट सनलाइट होती है, सिर्फ ही सिर्फ 1 to 5% होती है सनलाइट। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय हर्बीवोर्स इज, यानी कि कितने अमाउंट एनर्जी होती है, हम कहें कि कितने परसेंट एनर्जी जो हर्बीवोर्स हैं, जो सिर्फ ही सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए, उसको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स, एंड हम कहें कि कितने परसेंट एनर्जी को हर्बीवोर्स अपने अंदर यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं 0.1%, 50%, 10% या फिर 20%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 10%। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, जो एनर्जी का 10% लॉ है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हर ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, बाकी की 90% एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो उसी कारण से क्या होता है कि जो हर्बीवोर्स हैं वो कितने परसेंट एनर्जी को यूटिलाइज कर पाते हैं, सिर्फ 10% एनर्जी को यूटिलाइज कर पाते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैटेगरी ऑफ पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। सो गाइज पिरामिड जो हैं वो क्या होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है अपराइट, अपराइट जो पिरामिड होता है वो होता है बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि अगर हम बात करें कि जो अपराइट पिरामिड है वो इस टाइप का दिखता है, ये है हमारा अपराइट पिरामिड। और दूसरा यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा पिरामिड। तो गाइस जो ये है इन्वर्टेड पिरामिड, और एक होता है सिग्मोइड या फिर स्पिंडल शेप जिसको हम बोलते हैं, वो कैसा पिरामिड होता है, सेंटर से तो क्या होता है ब्रॉड, फिर वो ऊपर जाएगा तो छोटा होता जाएगा हर ट्रॉपिक लेवल पे, और नीचे से भी बिल्कुल सेम ऐसा ही ऐसे। ये थ्री टाइप्स के पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है कि विच कैटेगरी ऑफ पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, यानी कि ये जो हमारा इन्वर्टेड वाला पिरामिड है, कौन सा ऐसी कैटेगरी है पिरामिड की जो कभी भी इन्वर्टेड यानी कि उल्टी नहीं हो सकती। तो इसके ऑप्शंस हैं एनर्जी, बायोमास, नंबर या फिर ऑल ऑफ अबव। सो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एनर्जी। जो एनर्जी का पिरामिड है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, वो हमेशा क्या रहता है, अपराइट रहता है। ओके गाइज, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर। सो गाइज इकोसिस्टम बनता किस किस से है, एक बायोटिक कंपोनेंट्स प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, हमारा इकोसिस्टम फॉर्म हो जाता है। ओके गाइज, तो बायोटिक कंपोनेंट्स प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलकर क्या बना लेते हैं, एक इकोसिस्टम फॉर्म कर लेते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, इकोसिस्टम के अंदर वो क्या आ जाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट होंगे एक इकोसिस्टम के अंदर। और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं नॉन लिविंग जो प्रेजेंट हैं, वो जैसे कि स्टोन, कोई भी पत्थर हो गया है ना, मिट्टी हो गई, हवा हो गई, ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। तो बायोटिक कंपोनेंट्स इसके अंदर कौन कौन से हैं, आप देख लो ऑप्शंस हैं इसके, एयर, वाटर, फ्लोरा एंड फौना या फिर ऑल ऑफ अबव। अभी मैंने बताया कि जो एयर एंड वाटर हैं वो हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स जो इकोसिस्टम के। फ्लोरा का मतलब होता है जितने भी प्लांट्स, और फौना वर्ड हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। तो फ्लोरा एंड फौना यानी कि प्लांट्स एंड जो एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। ओके गाइस, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन द पिरामिड ऑफ नंबर हर्बीवोर्स ऑक्यूपायर का जो पिरामिड होता है उसके अंदर जो हर्बीवोर्स हैं वो कौन सी पोजीशन पर होते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन या फिर फोर्थ पोजीशन। सो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड पोजीशन। जो हर्बीवोर्स हैं वो पिरामिड ऑफ नंबर के अंदर सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% लॉ फॉर एनर्जी ट्रांसफर इज गिवन बाय, 10% एनर्जी ट्रांसफर जो लॉ है वो किसने दिया था? तो इसके ऑप्शंस हैं टेंसले, लिंडेमैन, ऑडम या फिर स्टैनले। सो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिंडेमैन। ओके गाइज, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर, कितने टाइप्स के इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। सो गाइज, कितने टाइप्स के पिरामिड होते हैं? 3 टाइप्स के पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके गाइज, ये 3 टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट ट्रॉपिक लेवल बिलोंग्स टू, तो इसके ऑप्शंस हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स या फिर डीकम्पोजर्स। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि डीकम्पोजर्स। जितने भी बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वो सब क्या फॉर्म कर लेते हैं? किसी भी जो सॉरी फूड चेन का क्या फॉर्म कर लेते हैं? वो लास्ट ट्रॉपिक लेवल फॉर्म कर लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इकोसिस्टम हैज कंपैरेटिवली हाई बायोमास, कि किस इकोसिस्टम का जो बायोमास है, भार है, वो किसका ज्यादा होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं फॉरेस्ट्स, पॉन्ड, ओशियन या फिर रिवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है उसका बायोमास इन सब में से ज्यादा होता है, फॉरेस्ट बायो इकोसिस्टम का। ओके गाइज, तो अपना लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज, यानी कि जो इकोसिस्टम है, दो इकोसिस्टम प्रेजेंट हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं ये है इकोसिस्टम वन और ये है इकोसिस्टम टू। सो गाइज, जो इसके बीच में ये एरिया प्रेजेंट है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन जोन। ओके गाइज, तो इस जो एरिया को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, वो इसका स्पेसिफिक नाम क्या होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं इकोस्फीयर, इकोटाइप, इकोटोन या फिर इकोक्लाइम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इकोटोन, यानी कि जो दो इकोसिस्टम के बीच में जो ट्रांजिशन जोन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इकोटोन। आई होप गाइज, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो आपके आपके लिए बेनिफिट्स होंगी, वो वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू गाइज़।